हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है पोर्ट्रेट के ऊपर, डे 22। आज का चैलेंज क्या है? तो आज का चैलेंज है मोनोक्रोम पेंटिंग। तो एक कलर का यूज करूंगा, उसी का लाइट टोन होगा, उसी का डार्क टोन होगा। वो कैसे होगा वो आज की वीडियो में बताऊंगा। तो मैं जो कलर ले रहा हूँ वो है ब्लू कलर, दिख रहा है ब्लू। मोनोक्रोम पेंटिंग का मतलब ये है कि जो आप आर्ट हो बनाना चाहते हो, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो या कुछ भी हो, उसका एक बेस कलर होना चाहिए। ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो इस बार मैंने ब्लू का यूज़ किया। तो सबसे पहले करेंगे ड्राइंग। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि टी बना के करना पड़ेगा, तो उसी टेक्निक को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मैं इस पर यह ध्यान रख रहा हूँ कि जो पोर्ट्रेट का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अलग है, एक आँख बड़ा एक आँख छोटा सा है। तो इसलिए जब पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसा उसका एक्सप्रेशन है, आँखें बड़ी है कि छोटी है, नोज का गैप कितना है, अगर लिप्स टेढ़ा है तो कितना टेढ़ा है, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेजरमेंट तो ले रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऑब्जर्वेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मिटाए, दोबारा बनाए। इसके बाद मैं करूँगा कलरिंग। इस बार जो कलरिंग कर रहा हूँ वो है मोनोक्रोम, जैसे कि ब्लू का ही टोन आएगा, ब्लू का लाइट टोन जो कि कोबाल्ट ब्लू होगा, उसी का डार्क टोन जो पर्शियन ब्लू का लूँगा, और उसको और डार्क टोन करना तो मैं ब्लैक बनाऊँगा। वो तो आपको पता ही है कि ब्लैक कैसे बनता है। मैं स्टार्टिंग से वाइट का गैप देते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि अगर फेस का एक्सप्रेशन है, अगर गाल पे हाथ दे के बैठे हो तो एक साइड से उठा हुआ दिखेगा, तो वहीं पर ही आपको डेप्थ देना है। तो स्टार्टिंग से आपको डेप्थ देते हुए चलना है। जहाँ जहाँ मेरे को देना है कि डेप्थ टोन देना है, वहाँ मैं डेप्थ दे रहा हूँ, जिससे बाद में जब टोन बढ़ाऊँ या टोन को ऐड करूँ तो मुझे पता रहे कि कहाँ कितना और डेप्थ देना है। अगर मुझे ब्लैक जैकेट पर कलर करना है तो उस पर मैं ऑलरेडी डार्क टोन का यूज़ करूँगा, जो कि मैं पर्शियन ब्लू का यूज़ करूँगा। अब ज़रा देखो पर्शियन ब्लू को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। हेयर का टोन फर्स्ट टोन दिया था मैंने, उस पर ऐड कर रहा हूँ मैं पर्शियन ब्लू। देखो हेयर के भी वॉल्यूम होते हैं, हेयर के भी टोन आते हैं। अगर आपके कर्ली हेयर है जैसे कि मेरे हैं, तो आप देख सकते हो कर्ली हेयर में कैसे आप टोन दे तो छोड़ना पड़ता है, कहीं डेप्थ कहीं लाइट, सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी का फ्लैट हेयर है तो आपको फ्लैट टोन बहुत ईजिली दे सकते हो, लेकिन कर्ली है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, डार्क टोन कहाँ से देना है, इन छोटे मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो हेयर के शैडो देने, तो आँखों के साइड से मैं थोड़ा डार्क टोन दे रहा हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना डार्क टोन आँखों में क्यों दे रहा हूँ, ऐसा लगे आँखों में सूजन लग गया है, सूजन नहीं है, ये शैडो का रिफ्लेक्ट है। जैसे इस पर कलरिंग ऐड करता जाऊँगा आपको दिखेगा कि किस तरह से इसका हेयर के टोन आ रहे और आँखों के साइड में एक रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो उसका सेकंड टोन मैंने यहाँ कर दिया, नोज के साइड में हल्का सा डेप्थ दे रहा हूँ। इस बार जो यूज़ कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू, लाइट ब्लू के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू को, और पर्शियन ब्लू को ही ऐड करते हुए चलूँगा। गाल के साइड में हल्का सा डेप्थ आता है, उसके साइड में लाइट टोन होगा, इसलिए मैं बीच पे एक टोन दे रहा हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा पानी को ऐड करूँगा, क्योंकि मिक्सिंग तो करना ही है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डेप्थ देते हुए, जो कि पर्शियन ब्लू को यूज़ करूँगा। आप देखो मैंने डिटेलिंग की ओर बढ़ रहा हूँ, तो किस तरह से मैं पेशेंसली आउटलाइनिंग करते हुए चल रहा हूँ कि कंप्लीट होते हुए देखे ना आपका काम, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। जब भी आप डिटेलिंग करते हुए बढ़ रहे हैं तो आपका जो आर्टवर्क है वो सूखे, नहीं तो आपका वो और मर्ज हो जाएगा। तो मैंने सूखने का वेट किया, उसके बाद ही मैं इस पर डार्क टोन कर रहा हूँ। सैडनेस है चेहरे पे, थिंकिंग है, तो इस तरह से एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। आँखों के साइड थोड़ा डेप्थ टोन देंगे, उसके साइड में हाईलाइट होना चाहिए ना। फोकस मैंने पोर्ट्रेट पे किया, हाथ में टैन डिटेलिंग मैं नहीं दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इन पे और डिटेलिंग देते हैं। अब इसको और डार्क टोन देना है तो मैं पर्शियन ब्लू के साथ ब्राउन को ऐड करूँगा, जो कि मुझे और डार्क टोन देना है। सूख चुका है, अब ये फाइनल टोन जाएगा। फाइनल टोन के लिए एकदम मैं ब्लैक का यूज़ नहीं कर रहा, ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं ब्लैक कैसे बनाता हूँ। आई होप आपको पता होगा कि ब्लैक कैसे बनता है और अपने आर्टवर्क में अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई डार्क टोन देना चाहते हो तो उसे टाइप के कलर यूज़ कर सकते हो, ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको ब्लू पसंद है ब्लू का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मैं डार्क टोन देते हुए ख़त्म कर रहा हूँ। इस पर और डेप्थ दे रहा हूँ मैं आँखों के साइड में। अब आपको शैडो दिख रहा होगा हेयर का, उस पर और हेयर आएंगे, वो मैं लास्ट टोन में दूंगा, जो पतले ब्रश का यूज़ करूँगा उसके थ्रू दूंगा। अब लिप्स में टोन दे रहा हूँ, जो कि मुझे हाईलाइट देना है। आपको दिख रहा है कि किस तरह से मैंने हाईलाइट को दिया है। तो पहले फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, फिर थर्ड टोन, अब आखिर में हेयर की आउटलाइनिंग कर रहा हूँ।
अब आंखों के साइड से हेयर जा रहे हैं, उनको इस तरह से दिखाया, उसके बाद फेस पे डॉटेड दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों के फेस पे होते हैं। अब आर्टिस्ट की नज़र से देखो तो एक ब्यूटी है फेस पे, और डॉटेड को देते हुए इस पोर्ट्रेट को मैंने ख़त्म किया। अब साइड में इस तरह से भी डेट दे सकते हो, ये भी स्टाइल बन चुका है आज के डेट पे। तो फाइनली मेरा आर्ट वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, और ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। ये मैंने आपको डेमो दिया अपने आज चैलेंज के थ्रू, तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें, और ट्राई करते हो और मुझे टैग भी कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। और अगर यूट्यूब पे वीडियो डालते हो या फिर इंस्टा पे अपलोड करते हो तो हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, ग्रो विद सुखमय। आप भी ग्रो, मैं भी ग्रो, मिलके ग्रो होते हैं ना। और आज के वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और 8 दिन बचा हुआ है, और 8 दिन में क्या हो सकता है देखते हैं। टाइट तो हूँ लेकिन कंप्लीट करके रहूँगा, बस आपका सपोर्ट बना रहे। अगर आप तो मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे जो डे वन से लेकर अभी तक जो चला है, उनको देखे, कमेंट करके बताए कि आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहे, वीडियो भी देखते रहे। शुक्रिया।